अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मलिक जवार फ्रॉम द करियर कंसल्टेंट्स। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में हमारा ऑफिस है। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम इमिग्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी स्टेट है जिन्होंने कहा है कि हम हर मंथ अपनी इन्विटेशन राउंड्स करेंगे और उनके रिजल्ट हम बाकायदा वेबसाइट पर पब्लिश भी करेंगे। तो अगस्त का राउंड हुआ, अगस्त के राउंड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इन्विटेशन राउंड किया, उसमें 491 और 190 दोनों का राउंड किया। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सी ईओआई कहाँ लॉन्च हुई थी, कौन से टाइम पे लॉन्च की थी उन्होंने, जिसका रिजल्ट अभी आ रहा है। अच्छा, इसमें कुछ हॉट ऑक्यूपेशंस रहे थे जिसको मैं डिस्कस करूंगा। नंबर वन तो हेल्थ को उन्होंने प्रायोरिटी दी, नंबर सेकंड सिविल को, नंबर थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को, नंबर फोर टीचिंग को। इन चारों ऑक्यूपेशंस को उन्होंने बहुत प्रायोरिटी दी, लेकिन इसमें जो एक हॉट ऑक्यूपेशन रहा वो था सिविल से रिलेटेड, क्योंकि सिविल बहुत सारे लोगों ने की, एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा सिविल का डिप्लोमा भेजा, बहुत सारे लोग सिविल से बहुत सारी उम्मीदें भी लगा के बैठे हुए थे, तो इसीलिए हमने सोचा सिविल को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सिविल इंजीनियर, जो कि बहुत कॉमन है, हर बंदे के पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी होती है, जो कि फॉरेन आ रहे, ऑफशोर से आ रहे होते हैं, जो ऑफशोर बैठ के लॉन्च कर रहे होते हैं। सिविल इंजीनियर 90 पॉइंट्स पे उन्होंने दिया। और कब नॉमिनेशन लॉन्च हुई थी, ये कब ईओआई लॉन्च हुई थी, 1 अगस्त की जो ईओआई लॉन्च हुई थी इसको उन्होंने कंसिडर किया। ड्राफ्ट पर्सन की 90 पॉइंट्स पे आई, जो कि 17 जून को जिसने लॉन्च की थी, 17 जून तक की ईओआईज उन्होंने देखी। टेक्नीशियन, सिविल टेक्नीशियन पे बहुत सारे लोगों ने कहा जी टेक्नोलॉजिस्ट की असेसमेंट करा लो, टेक्नीशियन की कम पॉइंट्स पे आती है, टेक्नीशियन की मजे की बात चली गई बूस्ट करके 100 पॉइंट्स पे। और उसकी जो लास्ट ईओआई उन्होंने कंसिडर की वो 9 मई की कंसिडर की उन्होंने। तो ये दोस्तों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा एनालिसिस था। इसके ऊपर काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेडिकल के ऑक्यूपेशन को, हेल्थ के ऑक्यूपेशन को कितना प्रायोरिटी दी, 85 तक पॉइंट्स पर उन्होंने ऑफर की है लोगों को पीआर। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिविल से आप लोगों का ताल्लुक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका ताल्लुक है, तो आप WA मूव हो और WA में लाजमी नॉमिनेशन लॉन्च करें, EOI लॉन्च करें और यहाँ पर ऑन शोर लॉन्च करें। उसके लिए आपको जहाँ पर जॉब अगर आपके पास होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगेन मैं यही कह रहा हूँ, जितने भी सिविल इंजीनियर दोस्त हैं, यहाँ पर आकर अपने ऑक्यूपेशन में जॉब लाजमन करें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपेशन में अगर आप जॉब करेंगे, अगर आपकी EOI अगले 2-3 महीने में अप्रूव नहीं होती, तो देयर विल बी स्टिल ग्रेट चांसेस कि आपको 482 या 186 के लिए एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट कर सकता है। ऐसे की मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई की वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।